गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ, 6:30। अभी 6:53 हो रहा है, पता नहीं मुझे अभी किसी की आवाज़ आई तो मैं सडनली उठ के आया ना। टेम्परेचर देखो -18 हो रहा है। अभी रात में ठंड तो बहुत लगी भाई, बट ये नहीं कि मैं अब सर्वाइव नहीं कर पाऊँ, सर्वाइव तो कर गया बट फील हुई ठंड और पैरों में ज़्यादा हुई। मॉर्निंग गाइस, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही यार। तो अभी वेदर हो रहा है -19 और तुम्हें यहाँ की कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे लकड़ियाँ भी जम गई हैं। मैं थोड़ा सा छोटी छोटी लकड़ियाँ ले लेता हूँ, उससे फिर आग जाते हैं। इसमें केरोसिन भूसे में ना केरोसिन मिला के रखा हुआ है, तो ये मेरे काम आएगी। तो इससे आग जलाता हूँ, मैं पहले लकड़ियाँ बटोर लेता हूँ। बहुत जल गई है ये जो है ना, यहाँ पाइन ट्रीज से निकलते हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अगर आग जलाने में ये सब ज़्यादा इसके अंदर ना आइस जमी हुई है, पूरा फ्रीज हो गया है। अभी इसे मैं थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए तो चाय बनानी है। अभी नहीं निकला, तो अभी बना रहा हूँ मैं चाय। और बहुत ठंड है भाई यहाँ पे, बहुत ठंड है। मैंने चाय रख दी है, लकड़ी डाल देता हूँ इसमें ताकि आग नहीं बुझनी चाहिए। जैसे ही लो फ्लेम हो रही है ठंड बढ़ती जा रही है फिर, और पानी ना उसमें पूरा फ्रीज हो गया। बाकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, बैटरी बहुत जल्दी डेड हो गई थी रात को ही, और गोप्रो की भी, फ़ोन की भी, दोनों मेरे फ़ोन, इसकी भी, इसकी तो मैंने हीट कैमरे की हीट करके करी है मैंने ना, तो पहले उसे गर्म किया थोड़ी देर, उसके बाद में चार्ज होना चालू हुआ, उन्हें चार्ज ही नहीं हो रही थी। मेरा बर्नर ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ये ना फुल फ्लेम पे भी बहुत लो चल रहा था, तो टाइम लग रहा था। तो मैंने दीदी के टेंट में उनकी गैस यूज़ कर ली, दीदी ने मुझे बोला था कि आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब चार्ज हो रहे हैं, इनकी बैटरी ख़त्म, ये गोप्रो। और जैसे ही मैंने ऑन किया ना, इसकी भी बैटरी 90% से सीधा 5% पे आ गई है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। और हाथ बहुत अजीब से हो गए यहाँ पे ना। अभी इस बार मैं थोड़ा ऐसे ही मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं आया, मुझे बस देखना था कि क्या नीड है क्या नहीं, तो थोड़ा आइडिया हो गया, बट कुछ चीज़ें हैं थोड़ा आगे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो अभी मैं इससे वापस मनाली जा रहा हूं घर पे, क्योंकि उसके बाद परसों से फिर वेदर भी ख़राब है। तो यहां मैं अगर कहीं आगे जाता हूं बाई चांस वेदर ख़राब हो गया तो फंस जाऊंगा, और बाइक गाड़ी होती तो बात भी थी, तो बाइक के वैसे भी स्लिप होने के चांसेस आते हैं फिर रोड पर ना। अभी अंकल जी यहाँ पे वो तो आग से दूर ज़्यादा ठंडा ही हो रहा है, बिल्कुल ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। ये देखो, तो अभी बाइक स्टार्ट करके देखता हूँ मैं, हो जाता तो ओके
ये देखो कुछ भी रखो हल्के से जम रहा है, सब फ्रीज हो रहा है, पूरी बाइक फ्रीज हो रखी है इस टाइम पे, बस स्टार्ट हो जाए। बाइक तो स्टार्ट हो गई है पर पता नहीं यहाँ से धुआं निकल रहा है थोड़ा, और ये देखो अंदर पूरा जंगल है। तो मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो बंद हो जा रही है, तो मैंने यहाँ पे लकड़ी फंसा दी है, थोड़ी देर से ऑन रहने देते हैं, इसमें लकड़ी डालता हूँ मैं थोड़ी सी ना। वैसे मैंने लकड़ी ज़्यादा तो चलाई नहीं है उनकी ना, पर मेरा काम चल गया इनसे, ये जो भी होते हैं ना तो ये तो जमे हुए हैं तो मैंने इसमें से निकाल लिए थे, इनसे काम बन गया थोड़ा सा ना। बाकी इधर उन्होंने सबकी अपनी अपनी अलग अलग लकड़ियाँ हैं, बहुत जल्दी चलती हैं और काफ़ी देर तक चलती रहती हैं। तो अभी बस सारा पैक करना है, अंदर पूरा थोड़ा बहुत गीला भी हुआ पड़ा है, बाइक को तो ऐसे ही चलने देते हैं थोड़ी देर ना 15-20 मिनट के लिए। तो अभी धूप आ गई है और इसकी बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो गई, बट ठीक है। और दीदी भी आ गई हैं, अब सारे लोग आ गए, मैं अब रैप अप कर लेता हूँ क्योंकि अब धूप आ गई, अब लोग भी आना चालू हो जाएंगे ना। जितनी भी पुरानी ट्रैकिंग थी, जितना मतलब लोग पहले अपना जहाँ से आना जाना करते थे, उन पीक्स को भी रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। और ये मेरा दूसरा पराठा, पराठा अच्छा लग रहा है, मटर और इसमें चिलीज डाली हुई है दीदी ने, तो बहुत सही लग रहा है, अच्छी बात है। ये लाइक ट्रैकिंग वगैरह बंद हो गई थी इधर की साइड में, तो यहाँ का जो पंचायत तो गाँव में 3-4 गाँव आते हैं, तो इधर थोड़ा सा कुछ हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए भी सब ने मिल के थोड़ा सा डिसीजन लिए हैं कि टूरिज़्म के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें करते हैं यहाँ पे, तो अच्छा है ये भी ना, हो जाएगा तो बढ़िया, क्योंकि सिसु के बाद में इधर कुछ है नहीं करने को, फिर वो टनल और सिसु अलग सेपरेट हो जाता है।
कैप सारी रात मैं पहन के सोया ना, उसकी वजह से थोड़ा इचिंग से हो रही है। डैंड्रफ वगैरह नहीं है बट पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है, बट ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर साइड में, तो यहाँ लैंडिंग पॉइंट बन गया ये। और वो जो पीक आप देख रहे हो ना, वो गैम्पिंग पीक करके है, फिर राजा के नाम पे वो रजिस्टर्ड है, मैंने उनके नाम पे रखा हुआ है उसको। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, स्टोरीज बहुत हैं यहाँ पे, ट्रैकिंग है, कुछ पुरानी कहानियाँ भी हैं। और ये जो है एक गोम्पा है, ऊपर ना बारिश के टाइम रास्ता ख़राब हो गया था, तो यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो ऊपर केव्स भी हैं, तो उनका मानना ये पहले मॉन्क्स रहते थे यहाँ पे जो मेडिटेट करते थे, तो उसके बाद में फिर वो चले गए, तो यहाँ पे ऐसे ही रह गया ये। तो अभी इस जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया, और धूप अभी आंखों पे बहुत तेज़ लग रही है, डायरेक्ट लग रही है। आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लाइक और जगह के मुकाबले खुला मैदान है पूरा, आगे भी बहुत जगह है अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो उस रास्ते से। और यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ पे, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। यांगला विलेज भी है आगे यहाँ पे, और यांगला स्नो पॉइंट करके, तो ये एंट्री है विलेज की ना। सही है, यहाँ के लोग बहुत सही हैं, गाँव के ना यार, मतलब बहुत हेल्पफुल हैं, हम्बल हैं, काइंड हैं, लोग बहुत सही हैं यहाँ के ना। बहुत जल्दी ऐसा हो गया कि ऐसा लगा मुझे कि मैं बहुत सालों से जानता हूँ लोगों को ना। दीदी मैं जा रहा हूँ फिर। अभी चल पड़े। हाँ ये अच्छा शानू दीदी हैं, हेलो। मोमोज खाना, पराठे खाना, आपको बहुत सही लगेंगे। मोमोज सच में अच्छे थे। सच में? हाँ मेरे को बहुत सही लगे, और चटनी भी। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। तो शानू दीदी मिलेंगी आपको, मैं तो अभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ में आऊँगा पक्का। कोई बात, तो दीदी मिलेंगी यहाँ पे, बाकी सारे गांव के ही हैं, एक सारे एक फैमिली की तरह ही रहते हैं यहाँ पे भी, तो स्टॉल्स हैं। तो बाकी आप किसी से भी खा सकते हो, ऐसा नहीं, बस दीदी के हाथ के मोमोज और पराठे ज़रूर ट्राई करना। और बाकी आप स्पेशल चटनी, स्पेशल मोमो चटनी जल्दी मिलते हैं आपसे। तो भैया का मैं आपको अभी ना प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, अगर आप स्टे करना चाहते हो ना, तो यहाँ जब आते हो ना तो सामने देख रहे हो वाला लेफ्ट वाला ग्रीन वाला, ये भैया का है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना डिटेल्स डाल दूँगा, आप बुक कर सकते हो डायरेक्ट, और कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूँगा। आपका नाम रमेश, रमेश ना? हाँ ठीक है रमेश। हाँ और इसका नाम क्या था? पैराडाइज होम्स, पैराडाइज पैराडाइज होम्स है ना, डॉट करके आता। मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना, व्यू बहुत सही है उधर से, और यहाँ आते हो उसके बाद में स्टे भी कर सकते हो। मेरी तो दोस्ती होगी सबसे। बस सच में लगा नहीं मुझे कि मैं पहली बार आया हूँ ना, तो अच्छा रहा मेरा। मैं आता रहूँगा, बाकी गाँव भी आऊँगा, और वहाँ तो आऊँगा आपके पास में ना, अभी थोड़ा सा वेदर सही हो फिर आता हूँ आपके पास में ना। चलो जल्दी मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। ओके जी भैया। हाँ जी ये जी भैया है, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जल्दी आऊँगा पक्का, गाँव आऊँगा मैं। हाँ तो यहाँ हुए तो भैया के साथ बैठना, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए हमारे पास। चलो जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया, तो मैं अपने रिस्क पे लाया था, टायर स्लिप होते हैं, पर मेरे ऑफ रोड वाले टायर हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आप भी। और देखो धूप में से आया ना इधर छांव में, तो ठंड अब ठंडा लगने लग रहा है, ऐसा ही है यहाँ पे, धूप थोड़ी देर में चली जाएगी। और ये आइस जमी हुई है, टायर स्लिप हो रहे हैं, ब्रिज क्रॉस करके आपको जाना है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देनी है। अरे यहाँ से कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड थोड़ा सा, तो मिट्टी मिट्टी बहुत है, थोड़ा आराम, गाड़ी है तो ठीक है, बाइक बाइक थोड़ा कई बार टायर स्लिप कर जाते हैं। ये पत्थर वत्थर भी पड़े हुए हैं इधर, और ये देखो
बहुत सही लगता है यहाँ से ना। तो काफ़ी सही जगह है यार, ये न्यू जगह बनी है यहाँ पे, जो ये पॉइंट है स्नो पॉइंट। तो और पुराने जैसे स्नो वो सिसु वगैरह उन सबसे थोड़ा सा अलग, और ये रास्ता ऊपर के लिए जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर का ऊपर का पैच है बस ये ना। ये है यांगला स्नो पॉइंट। ये रास्ता आगे तांडी की तरफ जा रहा है, तो इस टर्न पे जब आओगे तो ये बोर्ड मिलेगा। बोर्ड पहले नहीं था, वो भैया ने अभी लगाया है, गलूपा जी ने। तो ये बोर्ड देख लेना आप और नीचे जा सकते हो। तो आगे तांडी जा रहा है, पीछे से सो मनाली। तो मैं अभी मनाली आ रहा हूँ वापस।